हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। मैं हूँ कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं के सर की क्लास। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कंजुगेट बीम मेथड के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, कंजुगेट बीम को सॉल्व करने के लिए कुछ इसके प्रोसेस हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है प्रोसेस। ठीक है, तो कंजुगेट बीम मेथड में यदि मैं प्रोसेस की बात करूँ, तो जो प्रोसेस होगा फर्स्ट उसमें होगा कि जो भी हमारा बीम दिया रहेगा, ठीक है, जो भी बीम दिया रहेगा उसका सबसे पहले हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई भी लोड दिया हुआ है ये, ठीक है, मान लेते हैं ये W दिया है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे, उसका M अपॉन EI डायग्राम ड्रॉ करेंगे। M अपॉन EI डायग्राम, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा, जो भी उसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हाइट दी रहेगी, उस हाइट में हम ई आई से डिवाइड कर देंगे। थर्ड पॉइंट, ये जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया रहेगा, इसी को हम लोग मान लेता हूं कि मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये है कुछ इस तरीके से, सेंटर पे इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है कुछ इस तरीके से, तो ये जो हमारी हाइट रहेगी इसको हमने ये चेंज कर दिया एम अपॉन ई आई। ठीक है, चेंज करने के बाद जो थर्ड पॉइंट आएगा, इसी को हम लोग एज ए इमेजिनरी एक बीम हम लोग मानेंगे, उसी बीम को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट बीम। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन आर ए मानेंगे और आर बी मानेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि यदि हमको स्लोप फाइंड करना है, तो जो हमारा स्लोप हो जाएगा आर ए को ही हम लोग यहाँ पे स्लोप बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा स्लोप हो जाएगा, ये किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया बेंडिंग मोमेंट, सेकेंड हमारा एम अपॉन ई आई डायग्राम, फिर यदि रिएक्शन जिस पॉइंट पे पूछेंगे उसी पॉइंट पे हम लोग स्लोप पता कर लेंगे, जो रिएक्शन होगा वहीं स्लोप हो जाएगा। ठीक है, यदि डिफ्लेक्शन फाइंड करना हो तो डिफ्लेक्शन जिस भी पॉइंट पे पूछेगा तो उस पॉइंट पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सिंपल से लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा हार्ड लेंगे। अभी थोड़ा फिलहाल थोड़ा सा सिंपल लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि यही बीम है, इसको मैं फिर से यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हमारा L है, तो ये L बाई टू हो जाएगा, ये भी L बाई टू हो जाएगा, और ये W है। ठीक है, ये आर ए है, ये आर बी है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हमको सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है इस बीम का। तो इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले रिएक्शन फाइंड करना होगा। ठीक है, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन अलग अलग हैं, अभी ये रिएक्शन हम नहीं निकाल रहे हैं, अभी सिंपल सा बीम का हम लोग ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर एम अपॉन ई आई, फिर रिएक्शन। तो ये अभी आगे की प्रोसेस है, अभी तो इस बेसिक बीम का हम लोग रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो रिएक्शन फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डब्लू बाई टू, डब्लू बाई टू, क्योंकि ये जो हमारा है सेंटर पे लगा है, तो आधा लोड इधर से हो जाएगा, आधा लोड इस साइड हो जाएगा। अब यदि मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने की बात करूँ, ये फर्स्ट पॉइंट हम निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट निकालेंगे तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, बी पॉइंट पे आर बी इंटू के जीरो, मीन्स इसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो आर बी इंटू के जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। आर बी इंटू के ये डिस्टेंस, डब्लू बाई टू इंटू के एल बाई टू, यदि डब्लू बाई टू में एल बाई टू का मल्टीप्लाई करें तो हमारा इस पॉइंट पे निकालेगा, तो डब्लू बाई टू इंटू के एल बाई टू, डब्लू एल बाई फोर। ठीक है, अब यदि इस पॉइंट पे निकालना चाहें इस पॉइंट पे, तो हमारा फिर से जीरो हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बी, आर बी मीन्स डब्लू बाई टू इंटू के एल माइनस ये डब्लू इंटू के एल बाई टू, यहाँ पे एल बाई टू करूँगा, तो इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो हमारा जीरो आ जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे जीरो, इस पॉइंट पे जीरो, यहाँ पे डब्लू एल बाई फोर, तो मैं कुछ इस तरीके से मिला देता हूँ, ये हो जाएगा। तो हमारी जो हाइट आ गई वो डब्लू एल बाई फोर हो गया। अब सेकेंड टर्म की बात करते हैं, एम अपॉन ई आई डायग्राम। तो एम का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे हमने हाइट निकाला, तो ये हाइट है, ये हमारा, यही हमारा एम है, केवल अपॉन ई आई करना है। तो इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, जैसे इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, ये जो हमारा m m तो ही ये है, अब अपॉन ई आई करना है, तो इसी के अपॉन ई आई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एल बाई फोर ई आई। ठीक
ठीक है। तो ये हमारा हो गया एम अपॉन ई आई डायग्राम, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा एम अपॉन ई आई डायग्राम है, ठीक है। ये हाइट फाइंड हो गई। अब मैंने बोला था कि एम अपॉन ई आई डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आर ए फाइंड करनी है। अब किसकी आर ए फाइंड होगी, इस चीज की। तो इसको हम लोग एक इमेजिनरी रिएक्शन मान लेता हूँ। तो इसी ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, एम अपॉन ई आई डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, जो हम लोग इस बीम को एज अ बीम ट्रीट करते हैं रिएक्शन लगा के, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा कंजुगेट बीम है। तो यहां से मैं मान लेता हूं कि ये आर ए है और ये आर बी है, ठीक है। तो अब ये जो अब रिएक्शन फाइंड होगा, तो यहां पे हम लोग क्या करें, टोटल सबसे पहले तो रिएक्शन फाइंड करना है ये और ये, ठीक है। तो रिएक्शन हमारा कितना हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू, यदि मैं समीशन ऑफ एफ वाई की बात करूँ, इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू इतनी टोटल लोड। तो ये कैसा है, एक तरीके का ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल को लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसकी एरिया लेते हैं। तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, 1/2 बेस इंटू की हाइट, 1/2 बेस हमारा कितना है एल है, इंटू की हाइट, हाइट कितना हमारा है 4L/4EI। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8EI, मीन्स आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू ये हो गया। तो हमको पता है कि यहाँ से सिमिलर है लोड, इस साइड भी और इस साइड भी सेंटर से, तो आर ए की जगह आर बी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लोड है टोटल, वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 16EI। तो ये हमारा आर बी आ गया, और आर ए कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16EI। तो ये हमारा हो गया। एक तरीका और था ये रिएक्शन फाइंड करने के लिए, इस पॉइंट पर मोमेंट ले लीजिए। तो इस पॉइंट पर मोमेंट लेंगे तो थोड़ा सा टफ इसलिए पड़ेगा क्योंकि इतने लोड के लिए हम लोग लेंगे, तो इतना लोड इंटू के ये डिस्टेंस L/2L/3, और इस लोड के लिए लेंगे तो ये डिस्टेंस प्लस और ये L/3, तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। ये सिमिलर है, उसको अभी हम लोग जब डिफरेंट लेवल पर ये लोड लगेगा तो उसमें हम लोग करेंगे, अभी फिलहाल ये था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा स्लोप होगा, किस मेथड से, कंजुगेट बीम मेथड से। सेकेंड इसमें पूछेगा कि डिफ्लेक्शन हमारा सेंटर पे कितना है, तो सेंटर पे डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन एट सी क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी कर देंगे तो मतलब ये सी जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो सी पॉइंट है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर बी इंटू के ये डिस्टेंस, आर बी इंटू के L/2 माइनस, अब इस लोड के लिए करना होगा, ये हमारा ट्रायंगल है, तो लोड में कन्वर्ट करने के लिए इसकी एरिया लेते हैं, तो 1/2 बेस इंटू की हाइट। तो बेस हमारा कितना है, ये डिस्टेंस L/2, हाइट कितना हमारा, ये है WL/4EI। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू रख दीजिए, आर बी की वैल्यू कितनी है हमारा, WL² / 16EI। ये अभी इस यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस अभी मेंशन नहीं किए, तो क्यों लोड है ना, तो डिस्टेंस हमको ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल जो डिस्टेंस है उसका 1/3, ये वाली डिस्टेंस 1/3 होगी और ये वाली डिस्टेंस 2/3 होगी डिस्टेंस का। तो यहाँ पे L/2 टोटल है, इसका 1/3 डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दें तो टोटल फिलहाल कितना हो जाएगा, यहाँ पे L/2 अभी छूट गया है, ठीक है, कुछ इस टाइप से आएगा, WL³ / 16EI, और यहाँ पे बचा 1/6। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, WL³/48EI, ठीक है। तो ये था हमारा डिफ्लेक्शन। तो हम कंजुगेट बीम मेथड से कैसे हम लोग किसी भी बीम का हमने स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड किया, कुछ इस तरीके से। तो यही चार पॉइंट हमको याद रखना है कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सबसे पहले बनाना है उस बीम का, उसके बाद एम अपॉन ई आई डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर रिएक्शन निकालेंगे तो वही रिएक्शन जो होता है उसी पॉइंट पे स्लोप हो जाएगा, और डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए जिस पॉइंट पे पूछेगा डिफ्लेक्शन उस पॉइंट पे हमको मोमेंट लेना होगा। तो कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। जैसे ये कंसंट्रेटेड लोड था तो मैं एक यूडीएल लेता हूँ, फिर उसके बाद एक डिफरेंट लेवल का, मीन्स ये जो सेंटर में है वो अलग डिस्टेंस पे लेंगे, देखते हैं कैसा होता है। देखिए इसमें ये एक बीम दिया हुआ है, ठीक है। इस बीम में ये W यूनिट पर यूनिट रन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पूछा क्या क्या है कि स्लोप जो है वो इस इंड पे, यहाँ पे और यहाँ पे निकालना है।
दूसरा जो है वो डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमको सबसे पहले रिएक्शन फाइंड करना होगा, ठीक है। तो रिएक्शन फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, तो आर ए प्लस आर पी इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू के एल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले लूँ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, तो ए पे मोमेंट ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, आर बी इंटू के एल माइनस डब्ल्यू इंटू के एल बाई टू इक्वल्स टू जीरो, आर बी इंटू के ए डब्ल्यू इंटू के एल बाई एल बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से मैं यदि आर बी की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू, और आर ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन आ गया डब्ल्यू एल बाई टू और डब्ल्यू एल बाई टू। अब क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना था, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, आर बी इंटू के जीरो डिस्टेंस, तो जीरो ही होगा, और इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, आर बी इंटू के एल बाई टू, तो इस पॉइंट पे जो हो जाएगा आर बी, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर कितना हो जाएगा, आर बी इंटू के एल बाई, आर बी इंटू के एल बाई टू यहाँ पे, और इस लोड के लिए भी होगा, तो इस लोड के लिए डब्ल्यू इंटू के एल बाई टू इंटू के एल बाई फोर, क्योंकि डब्ल्यू इंटू के एल बाई टू इंटू के ये डिस्टेंस आधा हो जाएगा। तो इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आर बी जो हमारा डब्ल्यू एल बाई टू इंटू के एल बाई टू माइनस ये डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट, इसको सॉल्व कर लेंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट आ गया, दैट मीन्स ये हाइट जो आ गई डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट आ गई। लेकिन ये हमारा यू डी एल है तो कुछ इस टाइप से पैराबोलिक जाएगा, कंसनट्रेटेड रहता तो स्ट्रेट जाता, ठीक है। तो ये हमारा हाइट आ गया डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट, ठीक है। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर दिया मैंने। अब क्या करें, इसमें जो है एम अपॉन ई आई डायग्राम, ठीक है, एम अपॉन ई आई डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कितना आ जाएगा, इसी के अपॉन, जिसे मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ ये हमारा हो जाएगा एम अपॉन ई आई डायग्राम, एम मतलब कि डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट, ई आई मतलब ये, तो इसी को हम लोग बोल दिए कि ये हमारा एम अपॉन ई आई डायग्राम है, ठीक है। अब ये हम अपन ई आई डायग्राम ड्रॉ हो गया, अब एज ए इसको कंजुगेट बीम मानेंगे, ठीक है, इमेजिनरी कंजुगेट बीम। तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा आर ए और ये हमारा आर बी, ठीक है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ध्यान रखने के लिए कि ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे ये फिगर वन मान लेता हूँ, ये टू मान लेता हूँ, ये थ्री मान लेता हूँ। तो फिगर थ्री में जो हमारा रिएक्शन हो जाएगा आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू टोटल लोड, ये समीशन ऑफ एफ वाई है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू ये टोटल लोड, ठीक है। ये टोटल लोड हमारा कितना हो जाएगा, हमको पता है कि ये इस तरीके से हमारा पैराबोलिक रहता है, तो इसकी जो एरिया होती है वो टू बाई थर्ड डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इंटू के हाइट होती है, कितना हो जाएगा, टू बाई थर्ड टोटल डिस्टेंस इंटू के ये हाइट, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट ई आई, ठीक है। तो ये हो गया। अब रिएक्शन एक एक पॉइंट पे निकालेंगे, तो रिएक्शन हमारा कितना हो जाएगा, हमको पता है कि ये सिमेट्रिकल टाइप का है, कि सेंटर से हमारा ये लोड और ये लोड सिमेट्रिकल है, तो आधा लोड इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आधा लोड इस पे, तो मतलब ये टोटल लोड का आधा आर ए हो जाएगा। तो आधा इसका जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन एक आधा हो जाएगा, टू से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ गया आठ तरीके ये हो जाएगा। तो इसी को हम लोग स्लोप बोल देंगे, ये जो रिएक्शन आएगा वो स्लोप, ये रिएक्शन की बात नहीं है, ये सेकेंड टाइम जब हम एम अपॉन ई आई डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो हमारा स्लोप आएगा उसको हम लोग बोल देंगे। तो ये हमारा स्लोप है कहाँ पे, ए पॉइंट पे, और जो स्लोप हमारा हो जाएगा आर बी जो हम निकालेंगे वो स्लोप हो जाएगा कहाँ पे, आर बी भी सेम होगा आर ए की जैसा, ये स्लोप हो जाएगा किस पॉइंट पे, एट बी पॉइंट, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि डिफ्लेक्शन एट द सेंटर, तो डिफ्लेक्शन जब सेंटर पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन जब सेंटर पे निकालेंगे तो हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा, तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे मैं जो निकालना पहले उसको निकाल लेता हूँ, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी मैं सेंटर पॉइंट इसका मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमको इस पॉइंट पे, ये जो हमारा पॉइंट सी है,
अब सी इंटू सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो क्या करें, इस पॉइंट पे हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो आर बी इंटू की ये डिस्टेंस हमारा एल बी एल बाई टू है, तो आर बी इंटू की एल बाई टू माइनस, अब हमारा ये एरिया आया, इतना हमारा एरिया के लिए लोड निकालना है, तो इतना के लिए लोड हमारा कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 24 ई आई। ये कैसे आएगा, यहाँ से फिर से वहीं आप काम कर दीजिएगा, 1/2 बेस इंटू 2/3, इसके लिए 2/3 बेस इंटू के हाइट, हाइट हमारा ये है, ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 ई आई। तो हमारा ये जो लोड हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा, इतना पोर्शन के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटू के, ये लोड में कहीं करेंगे तो हमारा कहीं यहाँ पे वर्क करेगा ये लोड, तो हमको ये लोड तो हमारा हो गया, अब हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना होता है, तो यदि हमारा कुछ ये क्वाड ये इस तरीके से रहता है, पैराबोलिक का हाफ जो रहता है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 3/8 होती है टोटल एल का, और ये जो डिस्टेंस होती है वो 5/8 होता है टोटल एल का। तो हमको ये डिस्टेंस यहाँ पे मेजर कर देना, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा टोटल डिस्टेंस का 3/8 इंटू के टोटल डिस्टेंस कितना हमारा है, ये एल बाई टू, तो यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस एल बाई टू है ये डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमारा एल बाई टू का 3/8, टोटल डिस्टेंस का ये होता है डिस्टेंस 5/8, तो जस्ट हमने यहाँ पे भी ऐसे ही कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा जो आ जाएगा 5/384 डब्ल्यू एल के पावर 4 डिवाइड बाई ई आई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफ्लेक्शन, कहाँ पे, सी पॉइंट पे, मीन्स जब सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछेगा तो हमको बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे निकालना होगा। तो एक थोड़ा सा मैं ऐसा लेता हूँ कि जो है हमारा जो लोड लगेगा वो किसी बीच सेंटर पे ना लगे, किसी डिफरेंस जो है सेंटर पे ना लगे, इधर लग सकता है चाहे इधर लग सकता है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला है कि बीम लेंथ एल है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड एट इंच कैरीज अ पॉइंट लोड डब्ल्यू एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से ए डिस्टेंस पे, जो कि ए डिस्टेंस जो है वो एल बाई टू से ज़्यादा है, ठीक है। मैं कोई एक बीम बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने बीम बना लिया, इसमें एक पॉइंट लोड लगाया होगा, इसकी जो डिस्टेंस है पहले मैं एल मेंशन कर दूँ, ठीक है। अब एक पॉइंट लोड डब्ल्यू है कहाँ, कितना डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे फ्रॉम द लेफ्ट एंड, जो कि एल बाई टू से ए जो है वो ज़्यादा है, मीन्स कि हमारा एल बाई टू हमारा कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, तो जो हमारा लोड होगा कहीं यहाँ पे होगा, मीन्स ए का मतलब है कि एल बाई टू से ज़्यादा है, तो एल बाई टू यहाँ पे होगा इतना, तो एल बाई टू से मैं मान लेता हूँ कि ए डिस्टेंस है वो यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लोड लगा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आर ए हो जाएगा, ये आर बी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले रिएक्शन फाइंड करना होगा, तो रिएक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, तो हमारा आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। अब हमको रिएक्शन, हमको ये दोनों फाइंड करना था, यहाँ पे मैं किसी एक के पॉइंट मोमेंट ले लूंगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए या बी, ठीक है, ए पे मैं ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा आर बी इंटू के एल माइनस डब्ल्यू इंटू के ए, ठीक है, डब्ल्यू इंटू के ए इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमारा आर बी की वैल्यू आ जाएगी, वो कितना हो जाएगा डब्ल्यू ए बाई एल, ठीक है। आर ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर ए की वैल्यू इसमें हम आर बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये मैं मान लेता हूँ कि इसमें से एल में से ए निकाला, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया बी, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू में से हमारा आर बी माइनस, ठीक है, तो मैं यहाँ से माइनस कर लूँ, तो डब्ल्यू में से डब्ल्यू ए अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं माइनस करूँगा कितना हो जाएगा इसका, इसमें मल्टीप्लाई, तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एल, तो यहाँ से डब्ल्यू अपॉन एल हो जाएगा, और यहाँ से W कॉमन किए हैं तो L माइनस ए हो जाएगा, L माइनस ए का मतलब L में से हम A माइनस करेंगे, तो मान लेते हैं ये B आ गया, ठीक है, तो ये W B बाई L हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा R A की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये लोड हमारा है, इसको मैं आगे तक थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो इस पॉइंट पे जो हम बेंडिंग मोमेंट, जैसे देखिए इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, आर बी इंटू के यही डिस्टेंस, तो जीरो हो जाएगा। अब यदि इस पॉइंट पे निकालें तो आर बी इंटू के बी हो जाएगा, तो आर बी इंटू के बी, आर बी इंटू के बी का मतलब क्या है, यहाँ पे आर बी हमारा डब्ल्यू ए है और बी, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट अंडर द लोड हमारा आ गया डब्ल्यू ए बी बाई एल, यहाँ पे भी निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा डब्ल्यू ए बी बाई एल।
ये तो हमारा बेंडिंग मोमेंट हो गया। अब क्या करना है, एम अपॉन ई आई डायग्राम ड्रॉ करना है। तो एम अपॉन ई आई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये हाइट दिया रहेगा इसी में हम डिवाइड कर देंगे किसका, अपॉन ई आई का। तो मैं ये हमारा बन गया इस तरीके से, ये जो हमारी हाइट है ये हमारा कितना है, डब्ल्यू ए बी बाई एल अपॉन ई आई। तो ये हमारा हो गया एम अपॉन ई आई डायग्राम, ठीक है। अब क्या करें, इसको एज अ कंजुगेट भी मैं मानूंगा कि हमारा कंजुगेट भी ये हो गया, ठीक है, इसका कंजुगेट ये, इसको मैं इस तरीके से कर दूंगा। अब क्या करें, हमको स्लोप फाइंड करना है एट ईच एंड। तो स्लोप फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि अब जो रिएक्शन निकलेगा वही स्लोप होगा, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन निकालेंगे इसी को हम लोग स्लोप बोलेंगे, ठीक है। तो स्लोप निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्लोप जब निकालेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये रिएक्शन फाइंड करना होगा। ये तो रिएक्शन हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो करेंगे। समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो मीन्स आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू ये टोटल एरिया, ठीक है, ये टोटल एरिया का लोड, ये मीन्स ये टोटल लोड हमारा कितना हो जाएगा, इसकी एरिया। तो इसकी एरिया कितना हो जाएगी, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एल है, तो बेस हमारा हो गया, हाइट कितना है ये डब्ल्यू ए बी बाई एल, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाई इसे ये कैंसिल टू ई आई। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन, टोटल लोड जो है ये आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू हो जाएगा। अब यदि मैं बात करूँ केवल आर ए के लिए, तो हम क्या करें, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे क्या ले लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ले लें। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, तो एक अबाउट मोमेंट ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, आर बी इंटू की ये डिस्टेंस एल माइनस। अब देखिए ये पूरा ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल तो है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीका है। एक तो डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर रख दीजिए कि जो हमारा टोटल लोड हो जाएगा और इंटू के डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल प्लस ए बाई थ्री होता है, ठीक है। तो ये चीज ना करके और सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ किस तरीके से। पहले एक ट्रायंगल, तो इसको मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल इसको मान लीजिए, ठीक है। तो मैं फिलहाल पहले इस ट्रायंगल के लिए मैं बात करूं, तो इसको हम लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो लोड में मैं कन्वर्ट करूंगा तो 1/2 बेस इंटू के हाइट, तो बेस हमारा कितना है ये बी, तो बी इंटू के हाइट कितना है ये, तो यहां पर मैं लिखूंगा डब्ल्यू ए बी बाई एल ई आई। ये तो लोड हो गया, हमको डिस्टेंस चाहिए, तो ये लोड कहाँ पे काम करेगा, कहीं मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा इसका एल बाई थ्री, तो ये बी का ये टोटल डिस्टेंस का एल बाई थ्री, मतलब 1/3, ये टोटल डिस्टेंस का 1/3 होता है, तो बी बाई थ्री हो जाएगा, और ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 2b/3 हो जाएगा। तो ये तो हमने लोड में कन्वर्ट कर दिया, इसके लिए हमको लोड इंटू के परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कितना डिस्टेंस चाहिए, ये वाली, मतलब यहां से लेके यहां तक, तो ये डिस्टेंस कितना है a है, ठीक है, और ये कितना है b बाई थ्री। तो डिस्टेंस हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस b बाई थ्री, ये तो हमारा इस ट्रायंगल के लिए हो गया। अब माइनस, अब इसके लिए करते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू की हाइट, बेस हमारा कितना है a, हाइट कितना है हमारा यही है डब्ल्यू ए बी बाई एल थ्री एल ई आई, ठीक है, ये तो लोड हो गया। अब कहीं इस ये कहाँ पे लोड काम करेगा, मैं मान लेता हूँ कि ये चीज़, ठीक है, तो जीरो से जहाँ तक की हाइट होती है 2/3 यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा टोटल का 1/3 होता है, टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ए, इसका थर्ड ये, जस्ट जैसे हमने इसके लिए बनाया था। तो जो मैक्सिमम हाइट से इधर वाला होता है वो बी बाई थ्री, मैक्सिमम हाइट से इधर वाला ए बाई थ्री, और फिर जो जीरो से स्टार्ट होकर यहाँ इधर इस साइड जाता है वो 2/3 होता है डिस्टेंस का, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना 2/3 ए इक्वल्स टू जीरो। अब इसको सॉल्व करना है, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा हमारा इसमें और इसमें, ठीक है, और जो बचेगा उसको हम लोग रख लेंगे। तो यहां से फाइनली मैं आरबी की वैल्यू फाइंड कर लूँ सॉल्व करके, तो जो आरबी की वैल्यू आ जाएगी वो आएगा हमारा डब्ल्यू ए बी बाई सिक्स ई आई एल प्लस ए, ठीक है, आरबी की वैल्यू आ गई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा स्लोप है कहाँ पे, एट बी पॉइंट, ठीक है। अब आर ए की वैल्यू फाइंड कर लें, तो आर ए ये आरबी की वैल्यू हम क्या करें, इसमें पुट कर दें यहाँ पे, तो
आर ए की वैल्यू आ जाएगी, तो इतना में से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनली जो आर ए की वैल्यू आएगी वो डब्ल्यू ए बी बाई सिक्स ई आई एल प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, तो ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा स्लोप है कहाँ पे, एट ए, ठीक है। अब क्या करें, हमको फाइंड करना है सेकेंड पॉइंट डिफ्लेक्शन अंडर द लोड। डिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अंडर द लोड, अंडर द लोड का मतलब यह है कि जो लोड जहां पर लगा है उसी पॉइंट पे हमको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो उसी पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट ले लेते हैं उसी पॉइंट पे, ठीक है। तो उसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बी इंटू के ये डिस्टेंस और फिर ये लोड इंटू के ये डिस्टेंस। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, कुछ किस तरीके से हमारा ये बीम था, कुछ इस तरीके से इसको मैं बना लेता हूं। ये हाइट हमारी थी डब्ल्यू ए बी वाई एल ई आई, ठीक है। ये आर ए था हमारा, आर बी हमको फाइंड करना था डिफ्लेक्शन। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि जो हमारा डिफ्लेक्शन है एट लोड, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट अंडर द लोड, ठीक है, ये हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट हमको इस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे हमारा कहीं ये बीम वर्क कर रहा था, ये लोड हमारा यहाँ पे कहीं वर्क कर रहा था, डब्लू था, तो इस पॉइंट पे, तो क्या करेंगे, ये हमारा ए डिस्टेंस था, ये हमारा बी डिस्टेंस था, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आर बी इंटू के, आर बी इंटू के ये डिस्टेंस, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आर बी इंटू के बी माइनस। अब ये लोड के लिए हम निकाल लें, तो ये लोड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये लोड की एरिया सबसे पहले लोड में कन्वर्ट करेंगे तो इस ट्रायंगल की एरिया हो जाएगी 1 बाई टू बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा बी है, हाइट हमारा ये है डब्ल्यू ए बी बाई एल ई आई, ठीक है। अब इंटू के ये कहीं वर्क हमारे यहाँ पे करेगा तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी बाई थ्री। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर बी की वैल्यू कितनी थी, डब्ल्यू ए बी बाई सिक्स ई आई एल प्लस ए इंटू के बी माइनस ये चीज, ठीक है। तो इसको सब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, अपॉन सिक्स एल ई आई, ठीक है। जो कॉमन है कॉमन कर लेंगे और जो है उसको कर लेंगे, इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगी वो डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन थ्री ई आई एल, इतना आ जाएगा। तो हम डिफ्लेक्शन एट द लोड जब निकाल लेंगे तो वो इतना हो जाएगा। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और यदि कहीं कन्फ्यूजन है, यदि कहीं आपके मन में आ रहा है कि कंजुगेट बीम मेथड में हमको इस पॉइंट पे नहीं समझ में आया, या फिर कुछ और समझना चाहते हैं, या फिर कोई और ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता हो आप उसको जानना चाहते हैं, तो उस मेथड या फिर उस जो भी आपको कन्फ्यूजन है उसको हमको कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, मैं उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।